हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की न्यू जर्नी होने वाली है तकिया टू प्रयागराज, गाड़ी नंबर 14218 जो कि रोज़ाना चंडीगढ़ से चलती है प्रयागराज के लिए। तो हम हैं अभी तकिया स्टेशन में और ये हमारे पीछे है तकिया स्टेशन का कुछ नज़ारा। और आज हमारे साथ में फिर से हमेशा की तरह सुमित भाई साथ में चल रहे हैं। तो अभी चलते हैं और अब भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि विंध्याचल वाले लोग बहुत ही ज़्यादा जो मिर्ज़ापुर जा रहे हैं उनकी वजह से भीड़ कुछ ज़्यादा है। तो अभी चलते हैं और ये हमारे पीछे स्टेशन है। सो गाइस, चल रहे हैं, अभी चलते हैं। और ट्रेन आज थोड़ा लेट है, रोज़ाना 6:51 पर आ जाती है लेकिन आज का जो टाइम है वो है 6:09 पर। तो चलते हैं और ये अपने पीछे तकिया स्टेशन, और चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर, लेते हैं टिकट। भाई साहब टिकट दो, प्रयागराज दो। सो गाइस, ये ले ली है टिकट और चल रहे हैं। साथ में हैं मामा लोग, यहाँ पे मामा लोग भी जाएंगे साथ में। और ये लोग जा रहे हैं प्रयागराज तक, अपने को आगे जाना है, वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, गाड़ी थोड़ा लेट है और चलते हैं, आपको स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं। ये टिकट ले लिया है, एक टिकट जो है वो 65 रुपये का है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टेशन में, देखो इतने सारे लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। ये है तकिया स्टेशन का नज़ारा, पूरा सीन। और सुबह सुबह भी धूप खुली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ट्रेन अपनी थोड़ा सा लेट है तो इंतज़ार करते हैं 10-15 मिनट और। सो गाइस, ये है पूरा सीन यहाँ का। और बहुत सारे लोग हैं जो चल रहे हैं मिर्ज़ापुर तक जाएंगे। और तो चलते हैं फिर आगे, आपको सीन दिखाते हैं। और ये सब भाई लोग हैं जो जाएंगे विंध्याचल मिर्ज़ापुर तक, अपने को आगे जाना है। और रोज़ाना भीड़ नहीं होती थी लेकिन नवरात की वजह से थोड़ा भीड़ ज़्यादा होगी। सो गाइस, चलते हैं और ट्रेन अपनी 10 मिनट बाद आ जाएगी। तो 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद चलते हैं प्रयागराज, घूमते हैं। और आगे जहाँ भी जाना है वो सारा सीन आपको इसी वीडियो के बाद आते रहेंगे वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको सारे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं तकिया टू प्रयागराज। सो गाइज, अपनी ट्रेन आ चुकी है, शायद आपको दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग इसी ट्रेन से 150 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं इसी ऊंचाहार एक्सप्रेस से, जो कि रोज़ाना चंडीगढ़ से प्रयागराज के लिए चलती है। तो अपनी ट्रेन आ चुकी है, आ जाइए, आपका इंतज़ार है। मालूम ना था, हाँ जाओ। हाय, सो गाइज, आ चुके हैं अपनी ट्रेन और बैठते हैं और चलते हैं प्रयागराज। और देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है यार, जनरल बोगी में सफ़र करना जानते हैं कितना टफ रहता है। और अभी हम लोग चल रहे हैं, सभी लोग देखिए कितना भीड़ है। वाह, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गाइज, देखा आपने कितना भीड़ है और पूरा अंदर भी एकदम फुल है। तो अभी हम भी इस भीड़ में शामिल होते हैं और चलते हैं। सो गाइस, देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है और किस तरह से हम लोग जा रहे हैं। तो अभी चल दिए हैं गाड़ी तकिया से और अभी रघुराज सिंह चलते हैं और आने ही वाला है। और भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और जनरल बोगी में सफ़र करना कितना टफ रहता है। भैया हाथ डालो थोड़ा। भैया थोड़ा पीछे हो जाओ। तो गाइस, देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है और ज़्यादातर सब लोग मिर्ज़ापुर जाने वाले हैं विंध्याचल, इसकी वजह से थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो रहा है। और अभी रघुराज सिंह आने वाला है अपना स्टेशन।
दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सानिया मोबाइल शॉप, जहां पे आपको मोबाइल रिपेयरिंग से लेकर मोबाइल के हर छोटी से बड़ी सामान बिल्कुल उचित रेट में उपलब्ध है। और यही नहीं, आप अपने मोबाइल कवर में कप, प्लेट, कच्छा, बनियान, रजाई, गद्दा कहीं भी अपनी फ़ोटो छपा सकते हैं और नाम लिखवा सकते हैं बिल्कुल कम प्राइस में। और हाँ, अगर आप हमारा नाम बता देंगे तो आपको कुछ छूट भी मिल जाएगी। और एड्रेस है नियर तकियापाटन रेलवे स्टेशन बस स्टैंड, जाइए संपर्क करिए। सो गाइज, अभी हम लोग आ चुके हैं रघुराज सिंह और स्टेशन उस साइड में है, लेकिन उतर जाएंगे तो चढ़ नहीं पाएंगे। देख सकते हैं भीड़ इतना ज़्यादा है, लोग उतर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग चढ़ रहे हैं, क्योंकि सब आपको पता है कि मिर्ज़ापुर में मेला चालू हो गया विंध्याचल वाला, तो वहाँ जाने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड भी कितने लोग उतर रहे हैं। तो अभी हम लोग ने रघुराज सिंह आ चुके हैं तकिया से 11 किलोमीटर की दूरी तय करके, और उसके बाद चलते हैं आगे, स्टेशन है लालगंज। तो ये है पूरा सीन जनरल बोगी का, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, मतलब रोज़ाना हम इस ट्रेन से सफ़र करते हैं लेकिन इतना नहीं रहता जितना आज है। तो चलते हैं, सो गाइज अभी रघुराज सिंह से अपनी ट्रेन चल चुकी है लालगंज के लिए, अगला स्टॉप होगा लालगंज। तो पहुंचते हैं लालगंज, और अंदर बैठने की बात छोड़ो, खड़े होने की जगह नहीं है, इतना ज़्यादा भीड़ है। ये अंकल जी हमारे साथ में, कहाँ जाओगे अंकल जी? हाँ, हम जाएंगे लालगंज, क्या डलमऊ, डलमऊ जाएंगे। और काफ़ी देर से मुझे देख रहे थे तो हम सोचे अंकल जी को भी वीडियो में ले लेते हैं, और चल रहे हैं यहाँ पे। देखा किस तरह से जय घोष कर रहे हैं, इस तरह से लोग जाते हैं विंध्याचल, और बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चल रहे हैं हम भी इन लोगों के साथ में, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। अपने को तो बहुत आगे जाना है, और बने रहिए वीडियो में। चलिए फिर, तो गाइज अभी आ चुके हैं हम लालगंज में, और यहाँ पे डेली मैं आता हूँ, इसी ट्रेन से सफ़र करता हूँ, लेकिन इतना भीड़ नहीं रहती जितना कि आज है। और अभी आज मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे यहाँ से जाना है प्रयागराज, उसके आगे भी जर्नी करनी है। और ये ट्रेन अपना है जो देख सकते हैं कितने लोग उतर रहे हैं और कितना लोग चढ़ रहे हैं, बहुत ही भीड़ है। तो भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे बाद में, और हम दोनों लोग साथ में जर्नी करते हैं डेली, लेकिन आज इनको छोड़ के हम जाएँगे प्रयागराज। तो चलते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सो गाइज अभी हम लोग 38 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं डलमऊ जंक्शन में, और यहाँ पे प्लेटफार्म बहुत छोटा है, तो प्लेटफार्म वहाँ पे है, और यहाँ पे नीचे भी नहीं उतर सकते हैं, गाड़ी चल दिया है और कई लोग उतरे हैं। थोड़ा थोड़ा भीड़ कम होने लगी है, देखते हैं बैठने का सीट मिलता है या नहीं। तो गाड़ी चल दिया है और चलते हैं, फिर पहुँच के दिखाते हैं आपको, देखते रहिए। उम्मीद है मुझे आपको पूरा जर्नी का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा।
सो दोस्तों अभी हम लोग 69 किलोमीटर की दूरी तय करके और आ चुके हैं ऊंचाहार जंक्शन में, और यहाँ पे पहुँचने का टाइम है 8:23, लेकिन टाइम हो रहा है 9:05 पे, और थोड़ा सा लगभग 40 मिनट का डिले है। तो यहाँ पे देखो ऐसा सीन है ऊंचाहार का, और चलते हैं, आज थोड़ा लेट तो हैं लेकिन चलिए चलते हैं, पहुँचते हैं, देखते हैं कैसा जर्नी रहता है। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं कुंडा हरनामगंज, अपने स्टाफ से 99 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं, और ट्रेन का लगभग 45 मिनट डिले है, और हमारे साथ में भाई है। भाई कहाँ से हो तुम? भुलैया खेड़ा। कहाँ से बैठे थे? तकिया से? तकिया नहीं यार, रघुराज सिंह। रघुराज सिंह तो भाई रघुराज सिंह से, और बोल रहे थे तुम सिर्फ वीडियो ही बनाते हो। भाई अपना काम ही यही है, तो हम भी कहाँ जाओगे? प्रयागराज, इलाहाबाद, हम भी वहीं चलेंगे। तो हम भी चल रहे हैं और साथ में ये लोग भी, ये लोग शायद विंध्या चल जा रहे हैं, ये लोगों का पूरा टीम है, विंध्या चल जा रहे हैं और हम भी सफ़र कर रहे हैं सभी के साथ में। तो भी हैं कुंडा हरनामगंज में, और देखते हैं कब पहुंचते हैं प्रयागराज में, मिलते हैं आपको प्रयागराज में। और स्टेशन उस तरफ है लेकिन भीड़ ज़्यादा थी तो उतरे नहीं इधर हम, और बैठे इधर, काफ़ी लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं 148 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं प्रयागराज जंक्शन में, और मुझे जाना है प्रयागराज संगम तक। तो भी यहां से
3 किलोमीटर और दूर है प्रयागराज संगम। तो ये है पूरा प्रयागराज जंक्शन का सीन। और काफ़ी ज़्यादा धूप होने के बाद फाइनली आ चुके हैं। पहले तो ट्रेन काफ़ी डिले हो गई थी 40-45 मिनट, फिलहाल अब 5 मिनट का डिले है बस। तो अभी जल्दी से चलते हैं प्रयागराज संगम में और उसके बाद वहाँ पे संगम में स्नान करेंगे, घूमेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से प्रयागराज जंक्शन से फिर आएंगे। उसके बाद यहाँ से मेरी अगली जगह की टिकट है तो यहाँ से हम जाएंगे वहाँ घूमने। वो सारा सीन आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को अभी चलते हैं यहाँ से लेकर प्रयागराज संगम तक 3 किलोमीटर आगे, उसके बाद वीडियो ख़त्म होगा, अगला वीडियो आएगा वो देखना। प्रयागराज संगम में स्नान करेंगे, घूमेंगे, क्या सीन है वो सारा आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अपनी जर्नी अभी 3 किलोमीटर और है। तो गाइस फिलहाल अपनी गाड़ी चल दी है प्रयागराज संगम के लिए और चलते हैं, बस 3 किलोमीटर आगे है प्रयागराज संगम, स्नान करेंगे, घूमेंगे। बहुत पहले आए थे प्रयागराज संगम में, स्नान किए थे, तो आज फिर मौका मिला है आप सबको प्यार और सपोर्ट से। तो चलते हैं प्रयागराज संगम में, स्नान करेंगे, घूमेंगे, फिर उसके बाद यहाँ चले आएंगे। शाम को मेरी टिकट है यहाँ से प्रयागराज जंक्शन से, बता देता हूँ आपको, प्रयागराज जंक्शन से मेरी टिकट है खजुराहों के लिए। फिर वहाँ पे 3-4 दिनों के लिए टूर है, काफ़ी घूमेंगे मस्त से, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं 151 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज संगम में। तो अब यहाँ पे अपनी जर्नी ख़त्म होती है। कि आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बोल दीजिए कि बउआ की जर्नी कंटिन्यू शुरू हो गई है। कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया था लेकिन अब कंटिन्यू ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हमें प्रयागराज संगम में और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे आपको प्रयागराज संगम का नज़ारा देखने को मिलेगा, जाएंगे, स्नान करेंगे, घूमेंगे, जो सीन होगा वो सारा आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बता दिया है कि मेरी टिकट है यहाँ से शाम को और मुझे जाना है प्रयागराज जंक्शन टू खजुराहो, वहाँ घूमना है। वो सारा सीन आपको इस वीडियो के बाद में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अभी से लाइक शेयर कर दीजिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही जर्नी करते रहिए। आपकी